Now let us begin with our class. Let us see what we are going to study in today's class, and today's class we will try to sum up the acceleration part of it. Acceleration के हम सारे concepts को सीखने की कोशिश करेंगे, each and every thing को देखने की. चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले acceleration की बात करेंगे. So in the previous class we have studied that acceleration is change in velocity, or we can say that that is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity का मतलब होता है change in velocity with respect to time. So change in velocity with respect to time. Or we can say that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. ये acceleration आ जाता है. ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था that the unit of acceleration is also meter per second square. इस तरीके से यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन भी निकल के आती है मेरे पास, व्हिच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड यहां तक तो अपन ने जो कुछ भी बातें करी है दिस इज ऑफ नाइन्थ क्लास होंगी, ये तो सब नाइन्थ क्लास की बातें चल रही. आज अपन देखेंगे थोड़ा सा आगे. अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, लेट अस मेक ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ध्यान से देखेंगे समझेंगे. वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर रख दिया टाइम इस तरीके से. ठीक है, मान लेते हैं दैट दिस इज द ग्राफ व्हिच इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल और व्हिच इज शोइंग द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल. ये मेरे पास ग्राफ. जब टाइम इनिशियली टी इक्वल टू जीरो था वेलोसिटी थी यू. जब टाइम कैप टी के बराबर हो गया तो वेलोसिटी हो गई वी के बराबर. अब ध्यान से देखिए, हम निकालते हैं एक्सेलरेशन बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी जब निकाला जाएगा, देखिए मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा. मैं जानता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस इज वी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यू. तो इन दोनों में से चेंज निकालेंगे तो वी माइनस यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा. सिंपल सीधी सी बात, वी माइनस यू पांच यहाँ तक मिल गया, ये वर्टिकल हाइट मिल गई ट्राइंगल. और जो टी है, टी इज व्हाट, टी इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, सो दिस इज टी. अगर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूं, विच मीन्स if we calculate the slope of this triangle or slope of graph, kaun sa graph, velocity time, kaun sa graph, velocity time graph ka slope nikale, to slope nikalta hai tan theta se, and tan theta in which theta is this, tan theta will become v minus u upon t which is equal to a, and we can say that slope of velocity time graph gives acceleration. तो यहां से एक कंक्लूजन अपन ने पिछली क्लास में निकाला था that the slope of velocity time graph gives acceleration. Velocity time graph का जो भी स्लोप निकल के आता है क्या देगा बेटा, वो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा. जिस तरीके से पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है. इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है. एंड दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हिच वी हैव टू लर्न प्रॉपरली इन आवर क्लास. आज की क्लास में इस चीज को प्रॉपरली हमें समझना है. नाउ लेट अस सपोज, यहां पर देखो जो चेंज था, जो स्लोप था, वो हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट था. दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मुझे हर पॉइंट पे स्लोप सेम दिखता है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम दिखता है. इफ द स्लोप इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट दिस ग्राफ और इन दिस ग्राफ द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम और कॉन्स्टेंट. The acceleration is also same or constant. यह चीज अपन ग्राफ से प्रूव कर सकते हैं. देख लीजिए, अपन ने स्लोप की वैल्यू देखी, हर समय स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम. सिंपल सीधी सी बात है, अपन बात कर चुके हैं उसके बारे में. इसी को थोड़ा सा आगे देखो. Now let us suppose if a graph is given to us like this. Let us suppose if a graph is given to us like this. See,
ये मेरे पास ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी एंड हियर इट इज गिवन टाइम, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, दिस ग्राफ इज गिवन समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे कर्व नेचर का है, स्ट्रेट बन गया है तो इसको कर्व बनाते हैं, ये ऐसे नेचर का दे रखा, कर्व दे रखा। नाउ एट ईच एंड एवरी पॉइंट लेट अस सी, देखिए यहाँ पर देखो तो स्लोप की वैल्यू ये मैंने इस पॉइंट पे देखोगे तो स्लोप की वैल्यू ऐसे मिली, इस पॉइंट पे देखोगे तो स्लोप ऐसे मिला, दैट मीन्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप की वैल्यू क्या है अलग अलग। इफ द स्लोप इज चेंजिंग देन वी कैन से दैट स्लोप इज वेरिएबल, सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल। स्लोप वेरिएबल था तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, भाई जिसमें एक्सेलरेशन ही चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन ही हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग रहे, उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इस टाइप से उसको कुछ ग्राफ निकलता है। न्यूटन ने हमें एक तरीका बताया था, न्यूटन ने बताया था कि जब भी आपको स्लोप निकालना हो ऐसे किसी ग्राफ का जिस ग्राफ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा इंटरवल चूज करेंगे, ये लोग छोटा सा इंटरवल चूज कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक का एक इंटरवल चूज किया जिसकी विड्थ कितनी थी, डेल्टा थी। इस इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक यहाँ पर भी छोटी सी विड्थ मिलेगी विच इज डेल्टा वी, विच इज चेंज इन वेलोसिटी। इनकी वजह से यहाँ पर छोटा सा एक ट्राइंगल बनता दिखेगा, एक छोटा सा ट्राइंगल बनता दिखेगा, छोटा सा ट्राइंगल बनता दिख रहा है। इस छोटे से ट्राइंगल को जब मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ध्यान से देखिए। ये छोटा सा ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया, ये कुछ ऐसा दिखा, ऐसा इसके अंदर बेस दिखा मुझे डेल्टा टी लेंथ का, वाइट दिखी डेल्टा वी लेंथ की, सही बात है। ये यहाँ पर थीटा एंगल, थीटा एंगल, स्लोप निकालना है तो टैन थीटा निकाल लो, स्लोप निकालना है तो टैन थीटा निकाला, एंड टैन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। नाउ सिंस दिस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इनफिनिटली स्मॉल, सो वी कैन से दैट स्लोप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये मेरे पास क्या आ गया, लिमिट फॉर्म में मेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आया। Now after we know that delta t is tending towards zero, delta t is tending towards zero, we can say that the acceleration is the derivative of velocity with respect to time. Acceleration is the derivative of velocity with respect to time. और इस तरीके से अपन acceleration calculate कर सकते हैं for non-uniformly accelerated motion. किसी भी point of time पे अगर मुझे acceleration calculate करना है, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पे सेम है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे स्लोप निकालना पड़ेगा विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डिफरेंशिएशन फार्मूला। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वेलोसिटी का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। For which type of motion? For non-uniformly accelerated motion. For non-uniformly accelerated motion. Fast बता बताइए क्या यहाँ तक अपन को clear हुआ कि नहीं हुआ? Yes or no? Fast tell me. Raise hand करके बताइए. Fast everyone. Very good, very good. चलिए now let us move on to the next topic. और अभी अपन ने देखा दैट हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफ, और इफ वी हैव गिवन दैट कि भाई वेलोसिटी फंक्शन मेरे पास गिवन है, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक्सेलरेशन एट ए
पर्टिकुलर टाइम वी कैन से दैट एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना होता बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है. इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस. एक छोटी सी बात और करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे. ध्यान से देखिए फटाफट सारे बच्चे, देखो ध्यान. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफ, एवरेज एक्सेलरेशन यूजिंग ग्राफ, बेटा कौन बता सकता है मुझे कि एवरेज वेलोसिटी यूजिंग ग्राफ कैसे निकाली थी अपन ने? भूल गए, अभी करवाया है. 4 days नहीं हो, 4-5 days पहले ही करवाया है या 1 हफ्ते पहले? भूल गए बेटा. सोचो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कितना एफिशिएंसी कम हो जाती है हमारी. अगर यहीं से आप फिजिकल क्लास में होते तो आपको सब कुछ याद होता. ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि घर पे अपन कैजुअल एटीट्यूड में होते. देखिए ध्यान से, अभी सबको याद आ जाएगा. ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था मैंने. पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ दे रखा है, इससे कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, इनके बीच में कॉर्ड बनाओ और इस कॉर्ड का जो भी स्लोप निकल के आता है वो क्या देता था मुझे? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देता था. याद करके बताओ ऐसा होता था कि नहीं होता था? चल भी पास याद आया कि नहीं आया? फटाफट रेज़ योर हैंड, टेल मी स्टूडेंट्स. याद ही एक बच्चे को है. In the class we have studied that slope of position time graph gives velocity and area under velocity time graph gives displacement. Slope of velocity time graph अभी देखा acceleration होता है. तो average acceleration अगर मुझे निकालना है, this is the graph. Consider any two points. Join it with a chord. And calculate the slope of this chord. After calculating the slope of this chord, we will get the average acceleration. And similarly, after joining the chord, we can calculate the slope of this chord. And slope से मुझे क्या मिल जाता है? Average acceleration and average velocity. Fast, tell me students if this point is clear or not. और अगर नहीं है तो बताओ मुझे कि सर क्लियर नहीं है, ताकि मैं दोबारा बताऊं. Yes. Tell me. निकालना चाहते हैं, what is the average velocity? What is the average velocity? इसको पूरे के अंदर ये निकालना चाहते हैं, average क्या है? Instantaneous निकालने के लिए अपन ने क्या किया? अपन ने छोटा सा element dt माना, उसी को अपन ने dx माना, तो formula निकल के आया instantaneous velocity is equal to differentiation of position with respect to time. बस एवरेज निकालने के लिए अपन ने 2 पॉइंट जिनके बीच में एवरेज निकालना था, T1 T2, उसको जॉइन कर दिया एक कॉर्ड के हेल्प से, ये देखो, और कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया. स्लोप निकालने के लिए अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया और एवरेज निकली. नाउ सिमिलरली द सेम पॉइंट विच वी आर डूइंग इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज वेल. यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है. देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बना दिया. मेरे से पूछा गया कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए जिस भी पॉइंट के बीच में एवरेज निकालना होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दूंगा. ये लो कॉर्ड ड्रॉ कर दिया. इस कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा? V2 - V1, और ये बनेगा T2 - T1. तो ए एवरेज विल बी इक्वल टू V2 - V1 / T2 - T1, and this is the average acceleration using velocity time graph. So velocity time graph का slope क्या देता है? Acceleration देता है. And position time graph का slope क्या देता है? Velocity देता है. बेटा area under कुछ नहीं देता. Area under position time graph gives nothing. अब बताओ बेटा, tell me fast everyone. I've repeated this topic again. Tell me if this point is clear to everyone or not. Fast, raise your hand. Ask everyone.
is an yes, but fast. बहुत बढ़िया. तो टू सम अप वी कैन से वन थिंग. एक सम अप करने के लिए एक और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद सम अप करेंगे. ध्यान से देखो, एक ग्राफ और पढ़ाऊंगा फिर सम अप करूंगा. ये ग्राफ कहता है कुछ इस तरीके से, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखिए एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा. उस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट माना डेल्टा टी, ये लो मान लिया डेल्टा टी. इसके लिए यहां पर गए डेल्टा वी वेलोसिटी मिल गए. तो दिस विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू वर्ड जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एंड दिस विल बी डी वी बाई डी टी, एंड दी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स सारी चीजें आपके सामने है, ध्यान से देखो. स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. अब फटाफट बताइए रेज हैंड करके बच्चों, कि क्या ये पॉइंट और क्या ये टॉपिक अपन को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. फास्ट सभी बच्चे रेज हैंड करके रखेंगे, और जिस भी बच्चे को कोई डाउट. तो इन द क्लास वी हैव स्टडीड दैट एवरेज निकालना हो तो फॉल्ट बना के स्लोप निकाल लो, इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दो. इस चीज को याद रख लेना है कि एवरेज निकालना है तो दो पॉइंट के बीच में कॉर्ड बनाया और स्लोप निकाल दिया. इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दो इंस्टेंटेनियस. इस चीज को बार बार याद रखिए, बार बार याद रखिए. कॉन्सेप्ट को ढीला नहीं पढ़ने देना. नोट्स अगर आपने पढ़े हो तो नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किए उसके अंदर ये चीजें क्लियरली मेंशन की है. That slope of position time graph gives velocity. Area under velocity time graph की बात कर लेते हैं. इतने सारे ग्राफ की बात कर ही रहे हैं, तो एक छोटा सा ग्राफ और देख ले. ये देखो velocity, और ये देखो time. ये देखो velocity, ये देखो time. मुझसे पूछा गया है इसके अंदर कि T1 time और T2 time के बीच में displacement कितना था. What is the displacement between T1 and T2? How we can calculate? Please raise your hands to those who know the answer. Tell me. उन बच्चों को जिनको आंसर पता है raise hand करके बताइए. अगर मुझे यहाँ पर distance या displacement निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? Yes, how? Raise hand. This is the curve. Only one student, Archal. Revise it, students, revise, because आप if you guys are not making. सारे के सारे points अपन को याद रहे, उसके लिए एक छोटा सा summing up point लिखेंगे. Position, velocity, और यहां लिख रहा हूं acceleration. अब ध्यान से देखो, position time के respect में differentiate करो. Differentiating with respect to time. Position को time के respect में differentiate करेंगे velocity मिलेगा, और velocity को time के respect में differentiate करोगे तो acceleration मिलेगा. दोबारा सुनो, position को velocity is equal to dx by dt होता था. That means differentiation of position with respect to time gives velocity. तो position का time के respect में differentiation किया, velocity मिला, एंड वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा. ये लो एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज स्लोप. तो स्लोप है तो यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम गिव वेलोसिटी, एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव एक्सेलरेशन. चमक रहा होगा, धीरे धीरे सारी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी कि हाँ सर, स्लोप निकालेंगे पोजीशन टाइम का तो वेलोसिटी निकलेगा, क्योंकि dx by dt वेलोसिटी होता है.
डिफरेंशिएट करो पोजीशन को, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, शुरुआत में पढ़ा था, स्लोप होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? स्लोप। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है? यस, उत्कर्ष। टेल मी इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फास्ट 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 बेटा, फास्ट, जल्दी फटाफट सभी लोग। Each and every student present in the class, tell me, बेटा बहुत ही important topic है, दो तीन दिन तक यही चलेगा ये differentiation integration। लेकिन ये समझ देना तो पूरी 12th class में ये चीज पूछी जाती है, पूरी 12th class में यही है differentiation integration। इसको आज समझ लो, या आज नहीं तो कल समझ लेना, कल नहीं तो परसों समझ लेना, लेकिन समझ जरूर लेना। ऐसे मत कर देना कि छोड़ लेंगे, देख लेंगे, बाद में देखी जाएगी। नहीं देख पाओ, अभी नहीं समझ पाए तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी बेटा, समझ लो। चलिए, जैसे जिनको यानी कोई भी डाउट है टॉपिक के अंदर, पास बेटा बताइए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है दैट दी वेलोसिटी फंक्शन इज 2t माइनस टी स्क्वायर। वेलोसिटी फंक्शन इज 2t माइनस टी स्क्वायर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बताइए कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितनी होगी? फटाफट रेज हैंड करके बता दो। इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया। दो जनों ने हाथ खड़े भी कर दिए हैं। This is the way to calculate acceleration. If velocity is given to us, then we will differentiate this function to get acceleration. And acceleration over differentiation of velocity with respect to time. Differentiate kiya to ye bana 2 minus 2t. And hume 2 equal to 2 seconds pe acceleration nikalna tha, to t ki jagah par 2 seconds put kiya, answer will become minus 2 meter per second square. This is the acceleration at t equal to 2 seconds. Now this is what type of acceleration? Instantaneous or average? कौन बता सकता है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि एवरेज एक्सेलरेशन है? फास्ट टेल मी। उत्कर्ष, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मेरे